यार मैंने तो आपको 6-7 गलत बता दिया, कमी बहुत आती है बोलने बोलने में। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग, आप सबका स्वागत है मेरा फिर से इस न्यू ब्लॉग में। तो मैं आज बता दूं कि आज हम अपने जाने वाले हैं न्यू घर जो कि हमारा है रामगढ़ में, और मेरे साथ जाने वाले हैं आज मेरी सिस्टर जो कि अभी जॉब पे है, उनको जाकर जॉब पे मैं पिक करूंगा। और मैं बता दूं कि आज मेरी सबसे पहली राइड होने वाली है ये, जो कि 30-35 किलोमीटर की राइड होगी। और बाकी तैयार होते हैं और फिर चलते बनते गाय। फाइनली हम अपने तैयार हो चुके हैं और चलते बनते अपने न्यू घर। और अभी तो मैं बीच में आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँ क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, दोस्तों वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास। जब मैं अपनी सिस्टम मेरे साथ आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या है, बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, पहाड़ी इलाका सब कुछ है, सब दिखाऊंगा आपको। तो चलते बनते रहे। तो फाइनली हम अपनी 19 सेक्टर पहुंच चुके हैं। अब मेरी बहन आने वाली है थोड़ी देर में, और ये हमारी बाइक, चेक दिस आउट गाइस। और बाकी आती है तो चलते बन। और आपको चेक कराता हूँ अपना घर, चेक दिस आउट गाइस। ये हमारा घर है और थोड़ा उस साइड से चेक करा। ये जो है यहाँ पे हमारी तीन दुकान है, पहली दूसरी तीसरी। और तो मैं आपको अंदर से चेक कराता हूँ, ऐसा ये पहले दुकान खोल के। पहली दुकान यहाँ पे
मेरी आवाज़ जो सही नहीं आ रही होगी थोड़ी देर दुकान और ये पहली दुकान है दिखा देता हूँ। बनाया नहीं है वैसे, मगर आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ ऊपर कैसे क्या है। तो ऊपर का व्यू चेक करते हैं, अभी ऊपर कुछ बनाया तो नहीं हमने, लेकिन अभी यहाँ पे बनाएंगे, बताता हूँ आपको क्या क्या बनाते हैं। तो ये यहाँ पे तो ये टॉयलेट बनाएंगे हम, और उधर कोने पे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे दो रूम बनेंगे, और यहाँ पे किचन बनेगा, और यहाँ पे हॉल बनेगा। तो यहाँ पे आप रहता देख रहे हो, और इस वाले छज्जे पे हमारा बाथरूम बनेगा। और अभी तो नीचे शटर लगाने का काम चल रहा है, गेट गुट लगाने का काम चल रहा है, तो पूजा रहेगा, हमें पूजा होगी, तो ये अभी सामान तैयार कर रहे हैं उसके लिए। बस इतना ही था घर में, और बाकी नीचे चल के दिखाता हूँ, भाई पूजा वगैरह होएगी तो आपको दिखाऊंगा पूजा कैसे होती है हमारे यहाँ पे, और बाकी शटर शटर का दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। तो चलते बनते था, अभी यहाँ पे शटर शटर का काम चल रहा है, और मैं आपको बता दूँ ये है मेरी बहन है, मैं दिखाता हूँ, एक ये है और एक ये है। तो अभी यहाँ पे ना शटर शटर का काम चल रहा है, ये गेट लग रहे हैं जो कि ये गेट गुट लगाए जा रहे हैं, और ऊपर की ये दीवार है, ये यहाँ पे बाउंड्री बनाएंगे, इसका भी काम चल रहा है अभी। जैसे मतलब अभी ना ये फाइनल नहीं हुआ, इसका काम चल रहा है, और शराबा बहुत हो रहा है, और मैं बता दूँ ना इसको बनाने में मतलब हमने ये 6 या 7 साल पहले हमने ये ज़मीन ली थी, 3 मरला है ये, और इसको बनाने में मतलब हमें ना आज मतलब 6 साल बाद मर रहा है ये, और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, हमने मतलब 2 बार ही काम छुड़वाया है पहले ये जो छज्जा वगैरह, ये अगर लैंटर पड़वा के हमने ऐसे इसका काम बंद करवा दिया, और अब इसको फाइनल कराएंगे हम। और ये दुकानें वगैरह जो अभी दुकानें बनाएंगे बस, और ऊपर का तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि अभी बजट नहीं है हमारा, और इसको फाइनल होएगा जब मैं इसका ब्लॉग भी दिखाऊंगा आपको, सब कुछ दिखाऊंगा, मतलब फाइनल होने के बाद ना मतलब कि ये मतलब यहाँ पे कीर्तन वगैरह जागरण वगैरह हो गया है ना, वो सब कराएंगे हम यहाँ पे सारे, मतलब फैमिली आएगी, मतलब बहुत मज़ा आएगा, उसका ही ब्लॉग बनाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा। और अभी तो यही काम चल रहा है बस, और दिखाते हैं आपको बाकी पूजा वगैरह होएगी वो भी दिखाऊँगा आपको, क्योंकि हमारे घर में जैसे ये गेट लगते हैं तो मतलब इसके लिए पूजा वगैरह करते हैं, क्या होती है इसकी वो आपको बताने कैसे होता है। और बाकी चलते अपनी मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी से राय लेते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, मम्मी का सोचा देखते हैं कैसा लग रहा है, मम्मी को गर्म आ रहा है, तो मम्मी की राय लेते हैं, देखते हैं। तो फाइनली अब अपनी मम्मी के पास आ चुके हैं, और मम्मी से पूछते हैं मम्मी क्या लग रहा है, मतलब कि घर बन रहा है, अच्छा लग रहा है, और ये कितने साल मतलब कितने साल बाद बनना शुरू आई है घर, कितने साल पहले हमने ये जमीन ली थी, और अब बनना 8-9 साल पहले, मैंने तो 6-7 साल पहले बताया आप सुन लो, तो ये 8-9 साल पहले ली थी, और मैंने तो आपको 6 साल गलत बता दिया। और मम्मी कैसे लग रहा है, बस हमारी मम्मी को तो अच्छा ही लग रहा है, हमारी मम्मी को तो शर्म ही बहुत आती है बोलने में, बाकी पापा से भी राय लेंगे, पापा से घर पे जाके लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, नहीं तो पापा सुनाएंगे हमें, बाकी जो जो होगा पूजा भी होएगी, अभी पूजा भी दिखाएंगे, मम्मी करेगी और मेरी बहन भी करेगी, बहन को इसलिए लेके आए हम पूजा की शर्म आने के लिए, सबसे आगे हमारी वैल्यू कम है, हमारी बहन की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए अभी पूजा। तो अब हमारी पूजा का टाइम हो चुका है, और मुझे औरों का तो पता नहीं, मगर हमारे घर में तो सबसे पहले आगे लड़कियों को ही रखा जाता है, हमारे घर में जितनी भी है,
सबसे सब लड़कियों को हमारे घर में आगे रखा जाता है, औरों का घर का तो मुझे पता नहीं। और बाकी पूजा होती है, दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है पूजा में। तो फाइनली पूजा करने जा रहे हैं, अब देखते हैं पूजा में क्या क्या होता है। और ये हमारी दीदी अभी तो होम वगैरह बनाएंगे शायद वहाँ पे, बाकी देखते हैं। अरे बचके और ऊपर चढ़ जा, अरे उसको पकड़ मम्मी तो छोटी वाली को। कराने के लिए लेके आया था और अभी बज रहे हैं 3:30 बज रहे हैं, मेरे को 1-1.5 घंटा लग जाएगा मतलब घर पहुँचते पहुँचते, और दीदी को भी छोड़ना है। और जो मम्मी पापा है वो आएंगे शाम को 9 बजे तक आ जाएंगे वो भी घर पे, तो शाम को सीधा घर पे मिलते हैं आपको। फाइनली हम 10-15 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और अभी हम बीच रास्ते में रुके थे रील वगैरह शूट करने के लिए, और यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ गाइस। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, और ये रही अपनी बाइक। तो यहाँ पे अभी रील्स वगैरह शूट करते हैं, इंस्टाग्राम पे चेक आउट कर लेना मेरी CF09 राइडर नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आई है। और बाकी बाकी सूखती कटक देख होगी तना बड़क मगा मान जाना ना से करवा बाकी के गाड़ी के ट्रक के नीचे एक आता बाबा की के मौत का संभाल ले रहा घोड़ा तब बाबा की। हेलो गाइस, तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके और अभी रात के बज रहे हैं 10, और इस ब्लॉग का करने वाले हम यही हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो मेरे को सपोर्ट करे, दिल से प्यार करें ढेर सारा। अगर मेरे ब्लॉग में कोई गलती आपको लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। ओके बाय।